ही हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्वेषा स्पेशल। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ राजस्थानी स्पेशल स्टफ्ड मिर्ची बड़ा की रेसिपी। कोई कोई इसे मिर्ची के पकोड़े या फिर मिर्ची भाजी भी बोलते हैं, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो चलिए इस मजेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिर्ची बड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे बड़ा साइज का मिर्ची ले लिया हूँ और एक में कट करके आपको दिखाती हूँ। पहले इसका डेंटल थोड़ा सा कट कर लूंगी और चाकू के हेल्प से बीच में से चीरा लगा दूंगी और बीच में से जो भी इसका सीड है इसे अच्छे से हमें निकाल देना है। इससे क्या होगा, ये ज्यादा तीखा नहीं बनेगा। वैसे तो ये चिली ज्यादा तीखा नहीं है, तो अंदर का जो बीज है इसे मैं अच्छे से चम्मच की हेल्प से साफ कर दूंगी। पूरा जो बीज है हमें इसे निकाल देना है और एक मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये सेम प्रोसीड्योर में बाकी चिली का भी सीड मैं निकाल दूंगी, क्योंकि हमें इसे स्टफ करना है आगे। तो अभी आप देख सकते हो मिर्ची से सारे जो बीज है वो मैं निकाल दिया हूँ, इसको डीसीड कर लिया हूँ। अभी इसके लिए एक बैटर बनाते हैं। तो बैटर बनाने के लिए एक बोल में मैं ले लिया हूँ 1 कप भर के बेसन। फिर इसमें जाएगा 1/2 कप से थोड़ा सा कम राइस फ्लावर। फिर इसके अंदर डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा अजवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली पाउडर, थोड़ा सा खाने वाला सोडा और इसके साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा हींग। हींग का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है, आप हींग जरूर ऐड करना। अभी इन सारे ड्राई चीज को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका एक बैटर हमें बना लेना है। तो ज्यादा पानी एक साथ बिल्कुल भी मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैं इसका एक बैटर बना लूंगी। तो बैटर का कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, ये ज्यादा पतला नहीं होगा, थोड़ा सा गाढ़ा ही रहेगा, फिर ये मिर्ची को अच्छे से कोट कर पाएगा। तो अभी इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, बीच में इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो फ्लेम ऑन करके मैं फ्राइंग पैन चढ़ा दिया हूँ और इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल। तो मैं यहाँ पे मिर्ची बड़ा के लिए स्टफिंग बना रही हूँ। अभी तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल गरम हो जाने के बाद मैं इसके अंदर डाल दिया हूँ 1/4 टीस्पून जैसा जीरा। फिर मैं इसके साथ ही डाल दूंगी फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हींग। अभी इसे कुछ सेकंड्स के लिए हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 मीडियम साइज चॉप्ड ऑनियन। तो ऑनियन में डाल दिया हूँ और इसके साथ ही डाल दूंगी 1 चॉप्ड ग्रीन चिली। अभी इसको कुछ सेकंड्स के लिए हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो ऑनियन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी कूटा हुआ अदरक। तो मैं थोड़ा सा अदरक को कूट ली थी, आप चाहो तो बारीक चॉप करके भी ऐड कर सकते हो। अभी इन सारे चीज को 30-40 सेकंड्स के लिए थोड़ा सा हमें फ्राई कर लेना है, ताकि इसका कच्चा स्मेल चला जाए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 मीडियम साइज आलू, जिसे मैं बॉईल कर ली थी और हाथ से थोड़ा सा मैश कर ली थी। तो ये उबले हुए आलू मैं डाल दूंगी और इसे अच्छे से एक मिक्स दे दूंगी। तो इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक, फिर डालूंगी 1/4 टीस्पून जैसा चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा एंड धनिया पाउडर, ये रोस्टेड है। फिर डाल रही हूं मैं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और इन सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
तो इसे मैं अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर लिया हूँ, आप देख सकते हो। अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी हाफ टीस्पून जैसा ये आमचूर पाउडर और इसके साथ ही इमली का पल्प, तो 1 से 2 टेबलस्पून इमली का पल्प। तो ये थोड़ा सा खट्टा होता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा चटपटा स्टफिंग बनता है, तो इमली का पल्प आप जरूर ऐड करना और आमचूर भी इसमें मस्ट है। तो इसे अच्छे से एक मिक्स में दे दिया हूँ। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला। तो जैसे कि ये स्टफिंग बहुत चटपटा बनते हैं, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा खट्टा बहुत बढ़िया लगता है। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। फिर इन सारे चीज को मैं अच्छे से एक बार मिक्स दे दूंगी और ये स्टफिंग गाइस खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैं तो ऐसे ही खा ली थी कितना, और अभी मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। फिर मैं लास्ट में डाल दूंगी इसमें खूब सारे धनिया पत्ता, धनिया पत्ता भी इसमें मस्ट है। फिर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी आलू के साथ। तो अभी हमारा आलू का स्टफिंग एकदम रेडी है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे अच्छे से ठंडा कर लूंगी। तो अभी मैं एक मिर्ची ले लिया हूँ और इसके अंदर ये आलू का स्टफिंग मैं डाल दूंगी। ये स्टफिंग अभी ठंडा हो चुका है और इसके अंदर जितना स्टफिंग जाएगा उतना ही आपको डालना है, जितना स्टफिंग उतना मजा खाने में। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा करके स्टफिंग डाल दूंगी और सेम प्रोसीड्योर में मैं बाकी चिली को भी ऐसे ही स्टफ कर लूंगी। तो यहाँ पे मेरा स्टफ्ड चिली तैयार है, अभी इसे हमें फ्राई कर लेना है। तो फ्लेम ऑन करके मैं कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ और इसमें रिफाइन ऑयल डाल दिया हूँ, और इधर मैं मिर्ची को बेसन के बैटर में अच्छे से कोट कर रही हूँ। फिर इसे अच्छे से कोट करने के बाद गर्मा गर्म ऑयल के अंदर हमें डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ऑयल अभी इस वक्त मेरा मीडियम हॉट है, तो एक साथ मेरा कढ़ाई में 2 आसानी से आ जाएगा, इसलिए मैं और एक मिर्ची को अच्छे से बेसन के बैटर में डाल के इसको ऑयल में डाल रही हूँ। तो कढ़ाई को ज्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना है, बस 1 से 2 ही मिर्ची एक साथ आप फ्राई कर लेना। तो मैं ऊपर से ऐसे गरम तेल इसमें डाल दूंगी और एक साइड मेरा हो चुका है, अभी हमें इसे पलटना है और दूसरा साइड भी हमें अच्छे से ब्राउन करके फ्राई कर लेना है। तो मैं इसे पलट दिया हूँ और दूसरा साइड भी मैं कर लूंगी। तो अभी आप देख सकते हो इसमें दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अभी मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी और सेम प्रोसीड्योर में मैं बाकी का चिली भी फ्राई कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हो मेरा टेम्पटिंग सा क्रिस्पी मिर्ची भाजी बनके एकदम तैयार है। और इसके साथ खाने के लिए मैं थोड़ा सा टोमेटो सॉस रखी हूँ। इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। इस रेसिपी के लिए तो आप मुझे याद करने वाले हो। तो इस रेसिपी को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं रिप्लाई दे दूंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल बटन को भी क्लिक करना मत भूलना। अगर आपका दूसरा कुछ रेसिपी का रिक्वेस्ट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर एक बार चेक कर लेना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए रेसिपी लेके, तब तक के